हजरत अय्यूब अल्लाह के वो नबी हैं जिनका कोई लम्हा भी याद खुदा से गाफिल नहीं जाता था। रात है या दिन है, गर्मी है या सर्दी है, बहार है या खजा है, कारोबार है या बाजार है, बीवी बच्चे हैं या मस्जिद है, हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। हर टाइम उन्होंने दिल जड़ाना वो खुदा की याद है, तू गाफल होना ही नहीं सी। वैसे हर नबी नहीं यही शान है, लेकिन ये मैं बतौर खास जिक्र कर रहा हूँ। हर नबी को कोई ना कोई शान जो है ना वो बिल्कुल अलहदा मिली है, जो दूसरे नबी को नहीं मिली। जैसे हुस्न जमाल है ये हजरत यूसुफ को मिला था। अगर समझने की कोशिश करो, हजरत अय्यूब जो है ना वो नबी हैं जिनका कोई लम्हा भी याद खुदा से गाफिल नहीं जाता था। आपके 18 बेटे थे और 22 बेटियाँ थी। 18 पुत्र ते 22 तियां, टोटल 40 हो गए। ते शैतान एक दिन आया आके अल्लाह करीम नु आखना है, 40 तियां ते पुत्र दिते नहीं, तां ही जिथे बवे ना ते तेरा नाम लेना रहना है, ते हर टाइम अल्लाह 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 करना रहना है। अगर कख ना दे मैं हार ना ते मैं तक्का हार किवें तेरा नाम लेना है। हाँ ये चोलियां भरिया नहीं ना, ये पुत्र ते तियां दिते नहीं ते तां तेरा नाम लेना है। ते अल्लाह ने फरमाया मर्दूदा गलत प्याहना है, अगर मैं अपने बंदे की कुछ भी ना देवा हारना ते फिर भी वह माड़ा ही। ना ना चोलियां भरिया नहीं, 18 पुत्र दिते नहीं, 22 तियां दितिया नहीं, तां तेरा नाम लेना है। अल्लाह ने फरमाया चल ओए तू तजर्बा करके तक ले। राती आया जिस कमरे के अंदर आपके बच्चे ते बच्चियां बैठे सन, आके धक्का मारिया दीवार नूं, दीवार गिर गई ते सारे बच्चे ते बच्चियां शहीद हो गए। ते हजरत अय्यूब नूं आके कहंदा उधर तक ओ तक ना जिदा नाम लैंदा रहना है, उन्हें एक भी जिंदा नहीं छोड़िया, सारे मार छोड़े नहीं, आइंदा तो बाद खबरदार उहदा नाम नहीं लैना। अल्लाह दे नबी हजरत अय्यूब नूं आपने वेख्या ते फरमाया लगना है मरदूद आ गया है, मलून आ गया है, ते शैतान आ गया है। ओए अगर खोल इस नके होया देण वाला भी ते होइए, अगर खोले सुना ते के होया देण वाला भी ते होइए। ते मियां साहब कहंदे ने जिन्ना दुखां दे विच ए दिल पर राजी ए सुख उना तू आ रे कबूल मुहम्मद बचा ते राजी रैन प्या रे नरंग चा न मलाल अच्छा, जिस हाल में रब रखे वो हाल अच्छा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तक ही ना, शैतान दे जुलम दी वी इंतहाए, मेरे बंदे दे सबर दी वी इंतहाए। क्या मेरे बंदे नू पैगाम दे घबराना नहीं, जड़े 40 मर गए ने असी उन्हां नू जिंदा करन लगे आ। ये कुरान की बात है, सुभान जड़े 40 मर गए ने उन्हानु जिंदा करन लगे आ, बल्कि तेरे जुमलियां दे अंदर इतनी पावर है ना सोने आ के ओ 40 भी जिंदा होन जा रहे नहीं ते 40 होर भी देन लगे आ। 40 ओ भी जिंदा करांगे, 40 तेनू होर भी अदा करांगे। ओए मैं नहीं अल्लाह दे कुरान दे जुमले इस कन छुपा के कढ़ने नहीं, एथे लिखने फरमाया वो वहबना लहू अहला व मिसलहुम माहुम। 40 ओ भी देंगे वह मिसलहुम माहुम, 40 होर भी देंगे। ऐ मेरे अल्लाह इतना बड़ा करम क्यों है? फरमाया रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अल्बाब।
ए रहमत दा फैसला है, ए रहमत दा फैसला है। ओए हुण मैनूं बच्चे भी दसन, जवान भी दसन, बजुर्ग भी दसन, जिहड़े पहले आके अगलियां सफां च बह जाने नूं भी दसन, ते जिहड़े लेट आने ते ओह भी दसन, ते जिहड़े बिल्कुल एंड ते आके लोकां दे कंधे पे टपदे नूं भी दसन के रहमत कौन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तेरा मकाम या नबी कोई समझ। इतना बड़ा मजमा चंद बंदियां दी आवाज क्यों नहीं बोल दे हो पे, सारे बोलो रबीउल अव्वल आ गया जे, मेरे नबी वेख रहे ने कि मेरे गुलाम मैनू याद करके के पे कहंदे ने। सारे बोलो मेरा तेरा मकाम या कोई समझ। मजा आ जाए ते गूंज पै जाए मस्जिद दे अंदर। तेरा मकाम या तेरी तो रागुजार तक कोई भी जा सका नहीं। ओ तेरे करम से करीम कौन सी शे मिली नहीं। ओ तेरे करम से करीम कौन सी शे मिली नहीं। झोली मेरी तंग है तेरे वहां कमी नहीं। झोली मेरी तंग है तेरे वहां कमी नहीं। शद्दा मद्दा हाय हाय हाय। और जड़ा बंदा कवे बरेलवी कुरान नहीं पढ़ते टप्पे ते दौड़े पढ़ लैन, उन्हूं आज मेरी तकरीर विच लै आना है ते उन्हूं आखना तू ही अपना मुल्ला बिठा ते मैं भी बहना तालिबे इल्म अहले सुन्नत व जमात दा अदना नौकर, वह भी कुरान पढ़े ते मैं भी पढ़ना। फिर फैसला कोठा कलां वालियां ते छोड़ देने आ के कुरान तेनूं राह देंदा है या मेरे अली दे मन्नण वालियां नूं राह देंदा है। लेकिन अल्लाह के फजल एहसान से और उसके करम से मैं अपने वालिदैन को दुआ देता हूँ जिसने कुरान पढ़ा दिया। तो कुरान ना हाफिज़ बनना और चीज़ है, तो तकरीर विच कुरान पढ़ना भी हो। हाँ जी हाँ जी। शद्दा मद्दा इज़े राज़बुरा इशान तेरी विचिया या आमा लोकों खबर न कोई ते सुनिया रमज़ान पाई।